हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये टॉपिक है कैपेसिटर से, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट एक स्फीयर को चार्ज कर रखा था Q1 से, हैविंग रेडियस R1। सेकेंड स्फीयर इसको चार्ज कर रखा है Q2 से, हैविंग रेडियस R2। इन दोनों स्फीयर को अगर मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, इसको और इसको कनेक्ट कर दिया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। अब नया चार्ज इसके ऊपर आ गया Q1 और सेकेंड पे चार्ज आ गया Q2। अब ये चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक का ये मीनिंग है आपके पास, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर हो क्यों रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट पे चार्ज Q1, रेडियस R1, तो यहां पे पोटेंशियल आपके पास V1 और यहां पे पोटेंशियल आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल V2। कैसे, अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं तो क्या K Q1 over R1 लिखा जाएगा, और V2 का आंसर लिखो तो क्या K Q2 over R2। तो दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या तो इसे हायर कंसीडर कर लो या इसे हायर कंसीडर कर लो। तो चार्ज ट्रांसफर होगा कहां से कहां ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये पॉइंट ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये तो था टॉपिक, अब स्टार्ट करते हैं। अगर इसी पॉइंट को डिफाइन कर दिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, इस पे चार्ज Q1, रेडियस R1, सेकंड स्फीयर चार्ज Q2, रेडियस R2, ये रेडियस R1। तो मैंने इन दोनों को सेकंड कंडीशन, ये तो केस ए हो गया, केस बी Q1 बनेगा कब, जब इसको कनेक्ट कर दिया थ्रू अ कनेक्टिंग वायर, और इस पे चार्ज बनेगा Q2, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, रीअरेंज होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अटेन नहीं कर लेता, इक्वल पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम नहीं बन जाएगा, तब तक चार्ज क्या होता रहेगा, रीअरेंज होता रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस और सेकंड केस इन दोनों को कंपेयर करूं, तो फर्स्ट केस में जो चार्ज था टोटल चार्ज सिस्टम के ऊपर, सेकंड केस में भी टोटल चार्ज, दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मेरे पास पहले चार्ज था Q1 और Q2 दोनों कंडक्टर के ऊपर, टोटल चार्ज Q1 + Q2। सेकेंड केस में एक पे चार्ज कितना आ गया Q1, दूसरे पे चार्ज कितना आ गया Q2। ठीक है, तो टोटल चार्ज सेकंड केस में, टोटल चार्ज फर्स्ट केस में, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर लिया। एक स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होता है, क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 कंसीडर करूं, इसका पोटेंशियल V2 कंसीडर करूं, इसकी कैपेसिटी C1 बोल देता हूं, इसकी कैपेसिटी C2। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला, Q प्रोपोर्शनल चार्ज, प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट पुट करते हो तो कांस्टेंट क्या पुट हुआ आपके पास, C कैपेसिटी, Q = CV। इस फॉर्मूले का यूज करके Q1 डिफाइन कर सकते हो, तो क्या Q1 वैल्यू C1 V1 हो जाएगा। सिमिलरली Q2 वैल्यू C2 V2 लिख सकते हो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V2 है। दोनों को इक्वल करना, इक्वेट कर दिया, किसके इक्वेट कर दिया, नई कंडीशन के। नई कंडीशन के अंदर इस पे चार्ज है Q1, तो Q1 वैल्यू कितनी लिखी है आपके पास C1, और इसका पोटेंशियल कितना है V × E, प्लस सेकंड चार्ज Q2 कितना लिखा है आपके पास, इसकी कैपेसिटी C2 दी, और इसका पोटेंशियल है कितना V। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो तो V कॉमन ले लिया, C1 + C2 × V, और ये आ गया आपके पास C1V1 + C2V2।
तो v कॉमन पोटेंशियल का आंसर कितना बना, v कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू कहां आ जाएगी डिवाइड के अंदर, तो v आंसर कितना आ जाएगा c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2, ये आ गया क्या कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल ठीक है, सेम पोटेंशियल। इस कैलकुलेशन का यूज एनर्जी लॉस के केस में भी करेंगे, तो ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यू कंडीशन में चार्ज कितना जनरेट हो रहा है इन दोनों स्फीयर के ऊपर। एक पे चार्ज है क्यू वन डैश, जो क्या लिखा है सी वन वी। सेकेंड के ऊपर चार्ज है क्यू टू डैश सी टू वी, क्योंकि इसका पोटेंशियल वी, कैपेसिटी सी टू, कैपेसिटी थोड़ी ना चेंज हो रही है क्योंकि कैपेसिटी प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस रेडियस के ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करते हो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो क्या मैं क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, वी से वी कैंसिल हो जाना, क्या ये आंसर आ जाएगा आपके पास थर्ड आंसर ये ठीक है। कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेडियस, तो C1 वैल्यू कितनी लिखेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सिमिलरली C2 वैल्यू डिफाइन करते हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो इस वाले पॉइंट पे पुट करो तो न्यू चार्ज चार्ज रेशियो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या लिखा जाना क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught cancel हो जाना, R1 upon R2, R1 upon R2, ये answer आ गया। तो charge ratio Q1 ratio Q2, जो किसके equal आ गया आपके पास, radius ratio R1 ratio R2, एक ये result आ गया आपके पास, second result ही है, ठीक है, ये point, चलो इसी point पे एक question करते हैं। ये क्या रखा है, टू स्फीयर दे रखा है, हैविंग रेडियस आर वन 1 सेंटीमीटर आर टू 3 सेंटीमीटर ठीक है। हैविंग चार्ज, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, एक पे चार्ज है क्यू वन वैल्यू माइनस 110 टू पावर माइनस 2 कूलम, क्यू टू वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कूलम ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर डिफाइन कर रखा है। चलो ठीक है, दीज चार्जेस फर्स्ट सिचुएशन फर्स्ट कंडीशन ये रखी है, सेकंड कंडीशन कह रहा है इफ दीज टू चार्जेस आर कनेक्टिंग थ्रू अ वायर, वायर से कनेक्ट कर लिया इन दोनों स्फीयर को, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो, अब पूछा हुआ है कैलकुलेट द चार्ज ऑन, कैलकुलेट द बिगर चार्ज, एक पे चार्ज आ गया आपके पास क्यू वन डैश, दूसरे पे चार्ज आ गया आपके पास क्यू टू डैश, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या पॉइंट समझ गया ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो पहले टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं क्यू, जो क्या बनेगा आपके पास क्यू वन प्लस क्यू टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को साइन के साथ ऐड करोगे, एक वैल्यू माइनस वन है एक वैल्यू फाइव है, इंटू टेन टू पावर माइनस टू दोनों में कॉमन है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया आपके पास फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू कूलम, जो गिवन क्वांटिटी है ठीक है। इतना पॉइंट पहला पॉइंट, अभी ये डिफाइन कर दिया था चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज रेशियो क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश, जो किसके इक्वल आएगा रेडियस रेशियो के, तो रेडियस कितनी है आपके पास 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, और सेकंड की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो 10 पावर माइनस 2, जो कैंसिल हो गया आपके पास 1 बाय 3, दैट इज कितना बना आपके पास 1:3। तो बिगर चार्ज दैट इज रेशियो कितना उसका 3, तो बिगर चार्ज की वैल्यू क्यू टू डैश क्या लिखा जाएगा आपके पास 3 अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट कर रखी, वैल्यू पुट करते हो तो 3 अपॉन 4
इंटू फोर टेन टू पावर माइनस टू, ये कैंसिल हो गया फोर से फोर, रिमेनिंग बचा आपके पास थ्री टेन टू पावर माइनस टू। बोलो ये आंसर समझ में आया? ठीक है, अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यही पॉइंट उठा लेते हैं यहीं से सीधा सीधा, इस पे Q1, इस पे Q2 डैश, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर से जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट उसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपके पास एनर्जी लॉस आएगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो टोटल एनर्जी लॉस है वो कितना होगा आपके पास, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज शेयरिंग की वजह से कितनी एनर्जी का लॉस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर जब आपके पास चार्ज Q1 था और सेकंड पे चार्ज कितना था Q2, तो एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी क्या लिखिएगा आपके पास U1 प्लस U2, क्या पहला पॉइंट ठीक है। अब U1 वैल्यू डिफाइन करो तो U1 वैल्यू कितनी लिखी है आपके पास, हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, पोटेंशियल कितना है इसके ऊपर V1। सिमिलरली U2 वैल्यू डिफाइन करते हो तो U2 वैल्यू कितनी लिखी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसकी कैपेसिटी C2, वोल्टेज V2 दे रखी है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइनल फाइनल एनर्जी डिफाइन करते हो तो फाइनल एनर्जी U1 डैश प्लस U2 डैश, नई कंडीशन में नई एनर्जी बन रही है क्योंकि चार्ज नया बन रहा है Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, तो U1 डैश का आंसर क्या लिखा जाएगा, हाफ C1, कैपेसिटी पहले भी कैपेसिटी C1 थी, बाद में भी कैपेसिटी C1 है, क्यों, क्योंकि रेडियस सेम है, चेंज थोड़ी ना होगी, बट वोल्टेज इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी बन गई आपके पास V, तो V स्क्वायर। U2 वैल्यू क्या हाफ C2 V स्क्वायर लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा बोलो, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना बना हुआ है, V बना हुआ है, इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर लिया, इन दोनों वैल्यू को इस पॉइंट पे रिप्लेस कर लिया, तो मेरे पास लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस क्या लिखा जाएगा, इनिशियल चेंज इन एनर्जी कह सकते हो उसे, जो क्या लिखा जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब मैं लास्ट वर्ड डिफाइन कर रहा हूं, पहले एनर्जी ज्यादा बाद में एनर्जी कम, ये डिफाइन कर सकता हूं, मान सकता हूं, अगर सॉल्व करके आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है तो कहूंगा ठीक है लॉस ही हुआ है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कह दोगे कि लॉस गलत कंसिडर किया था, गेन आ रहा है, बट अब कैलकुलेट करके देखते हैं। इनिशियल, इनिशियल के केस में ये दोनों वैल्यू लिखी गई, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू V2 स्क्वायर, अब माइनस कर दिया फाइनल, फाइनल केस में कितना है, हाफ C1 V V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब है कैलकुलेशन पार्ट, तो कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करते हो तो क्या बना आपके पास, डेल्टा U चेंज 1 by 2 complete calculation common है, common area 1 by 2 common C1 V1 square plus C2 V2 square minus, इस वाले point पे V square common है, वो common ले लेता हूँ, तो C1 plus C2 और V square common बन गया, बोलो ठीक है। थोड़ी देर पहले common potential V का आंसर लिखा था C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, तो क्या इस वाले आंसर को इस पॉइंट पे पुट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, तो आंसर आ गया आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इनटू, इस वाले को रिप्लेस कर दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर इस पे भी आ गया और स्क्वायर नीचे वाली टर्म पे भी आ गया, तो C1 प्लस C2 स्क्वायर, एक वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, क्या ठीक है। अब कैलकुलेशन सॉल्व करनी है,
मैथ सॉल्व करते जा रहे हो, तो डेल्टा यू चेंज एनर्जी 1/2, अगर मैं एलसीएम कंसीडर करूं C1 plus C2 एलसीएम आ गया, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, C1 V1 square plus C2 V2 square, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया C1 plus C2 minus, इससे ही कैंसिल हो गया और एलसीएम ही बचा क्या C1 V1 plus C2 V2 whole square, ठीक है। तो ये पार्ट ड्रॉप कर लेता हूं, सीधी सीधी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, एलसीएम पार्ट इसके साथ कॉमन आ गया, तो डेल्टा यू 1/2 C1 plus C2, ये तो एलसीएम बाहर लिख लिया, अब C1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, C1 square V1 square plus C2 C1 V2 square, अब C2 मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया आपके पास C1 C2 V1 square, प्लस ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी C1 C2 square V2 square, ठीक है, यहां तक का पॉइंट ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं अब, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस माइनस और a plus b whole square, इस आइडेंटिटी क्या लिखाएगा a square plus b square plus 2ab, ये आइडेंटिटी इस पॉइंट पे अप्लाई करते हो तो क्या आ गया आपके पास माइनस c1 square v1 square plus C2 square V2 square plus 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। और क्या एक्सपेंशन समझ गया, इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व कर रहे हैं, ये C1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलर इसके अंदर एक्सपेंशन अप्लाई कर दी आइडेंटिटी a plus b whole square, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी, ये पॉजिटिव इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट होगी, क्या ठीक है। अगले स्टेप पे आंसर आ गया 1/2 C1 plus C2, ये वैल्यू बची हुई है आपके पास C1 C2 V2 square, ये वैल्यू बची हुई है प्लस C1 C2 V1 square, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 C1 C2 V1 V2। अब इनमें C1 C2 सब में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया तो C1 C2 divided by 2 C1 plus C2, रिमेनिंग पार्ट बचा आपके यहां से V2 square plus V1 square minus 2 V1 V2, बोलो ठीक है। फाइनल आंसर C1 C2 upon 2 C1 plus C2 इनटू ये आइडेंटिटी है, बीच में माइनस है तो इसमें माइनस वाला केस अप्लाई कर दोगे तो V2 minus V1 whole square, क्या 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 चेंज इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, लॉस क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट अब क्या पॉजिटिव है, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कैपेसिटी C1 C2 इन दोनों के लिए पॉजिटिव है, ये वाला पूरा आंसर भी क्या आ रहा है आपके पॉजिटिव, तो कंप्लीट आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या आंसर किया इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये क्या आपके पास लॉस, लॉस इन एनर्जी, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है यहाँ तक के लिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थैंक यू।